हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूकेलिप्टस यानी कि नीलगिरी, जो कि बीएससी सेकंड ईयर बॉटनी सब्जेक्ट से है। फ्रेंड्स, इसके पहले मैं और भी वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने सभी क्वेश्चनों को ऑलरेडी बता रखा है। आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका वनस्पति का नाम देखते हैं। तो इसका वनस्पति नाम है यूकेलिप्टस और इसकी फैमिली है मिरटेसी। नीलगिरी मिरटेसी कुल के पुष्पी पेड़ों झाड़ियों को 700 से अधिक प्रजातियों का एक वंश है यानी कि जिन्स है। यूकेलिप्टस के पेड़ की छाल चिकनी रेशेदार और कठोर होती है। पत्तियों में तेल ग्रंथियां स्थित होती हैं। बहदल एवं दलपुंग के स्वर के ऊपर टोपी या अपर कूलम बनाने के लिए जुड़े रहते हैं। फल एक कैप्सूल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे फ्रेंड्स हम गम नट कहते हैं या कहा जाता है। फिर देखिए, यह इसके स्ट्रक्चर है, आप इसके चित्र भी बना सकते हैं। तो देखिए, आप इसके बाद हम देखते हैं इसकी तेल निष्कासन की विधि। तो देखिए नीलगिरी का तेल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम नीलगिरी की पत्तियों को ताज़ी पत्तियों को एकत्रित कर लेते हैं। फिर उसके बाद उन्हें अच्छी तरह धोकर सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद एक कप यानी कि 250 मिली लीटर में कम खुशबू वाला तेल डालते हैं, जैसे कि ओलिव ऑयल, नारियल का तेल या बादाम का तेल भी ले सकते हैं। तो देखिए, फिर इसके बाद है, फिर पत्तियों को हाथों से हल्का क्रश करें। फिर पत्तियों को चाकू से काट सकते हैं। और फिर इसके बाद अब एक कुकर में पत्तियों के टुकड़े और तेल डालें और फिर धीमी आँच पर रखें। फिर इसके बाद है, मिश्रण को लगभग 6 घंटों के लिए तेल में ही पकने दें। जितनी अधिक देर तक पत्तियां तेल में भीगी रहेंगी, नीलगिरी का तेल उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठंडा हो जाने पर नीलगिरी के तेल को एक बारीक छेद वाली छलनी से छान लें तथा तेल को गहरे रंग की बोतल या जार में भर कर रख लें। नीलगिरी के तेल या यूकेलिप्टस की ऑयल को हम लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उसे हम रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। फिर फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं इसके यूजेस यानी कि उपयोग। तो देखिए, नीलगिरी के तेल में एंटी बैक्टीरियल गुण होती हैं जो कि त्वचा के हर संक्रमण को दूर करते हैं। यह मुलायम त्वचा प्रदान करता है। यह तेल लगाने से जलन में आराम मिलता है और यह मांसपेशियों का दर्द भी दूर करने में सहायक होता है और यह त्वचा को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा बना हुआ यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप मुझे अवश्य बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार की वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।